आचार संहिता के चलते प्रशासनिक महकमा पूरी तरह मुस्तैद है। इसी बीच आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात पर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि आगामी दुर्गा महोत्सव को लेकर जगह जगह की जानकारी जुटाने के अलावा संवेदनशील इलाकों के सभी धर्म के लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। इस दौरान SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी शांति समिति की बैठकों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर संभव परिस्थिति से निपटने के लिए उनकी कमर कस तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आयोजित की गई है और जिले भर में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए हमेशा की तरह जब भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं तो पूरे समाज को विश्वास में लिया जाता है। अभी हमने थाने लेवल पे शांति समिति की बैठकें की हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार मोहल्ला बैठक भी कर रहे हैं। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सभी में थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी जाके मोहल्ला बैठक कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं, सभी धर्मों के प्रबुद्ध लोग हैं, सबके साथ समन्वय और संवाद स्थापित किया है। सारे धार्मिक आयोजन जो आगामी समय में नवदुर्गा के आयोजन होंगे, जो गरबे के आयोजन होंगे, इन सभी आयोजनों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ पृथक पृथक बैठकें की जा रही हैं। उन बैठकों में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, सारी उनको डूज एंड डोंट समझाए जा रहे हैं जिससे कि कार्यक्रमों में किसी प्रकार के व्यवधान की स्थिति ना हो। अभी कल जिला स्तर की शांति समिति की बैठक हुई है, उसमें भी कई सारे इश्यूज पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि सबने सहमति व्यक्त की है कि जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से जो त्यौहार होते हैं उस तरीके से मनाए जाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आगामी चुनावों को देखते हुए आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के जो नियम हैं उसमें सभी ने पालन करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। MCC के उल्लंघन के कंट्रोल करने के लिए हमारी FST टीमें हैं, 18 FST टीमें संचालित हो गई हैं। हमारे सारे नाकों पर चेकिंग स्टार्ट हो गई है और कल की मीटिंग में भी आग्रह किया गया है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करते हुए धार्मिक आयोजनों का हम लोग करें। सारी अनुमतियाँ 24 आवर्स पर जारी होंगी। हमने व्यवस्था की है सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कि आप आवेदन दीजिए, विद इन 24 आवर्स आपको अनुमतियाँ एक ही स्थान से जारी कर दी जाएंगी जिससे कि आयोजकों को परेशान ना होना पड़े। तो सारी चीज़ों को लेके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग संवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे आयोजन बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और गरिमा के साथ संपन्न होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।